अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शिराज और आप देख रहे हो शिराज कार एंड बाइक। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आप सबकी, बल्कि पूरे पाकिस्तान की जो सबसे फेवरेट गाड़ी है सुजुकी महरान के बारे में। ये सुजुकी महरान का आखिरी वीडियो होगा, क्योंकि सुजुकी महरानों को आपको पता है कि वो बंद हो चुकी है पाकिस्तान में। तो मेरा नहीं ख्याल कि मेरे बाद कोई सुजुकी महरान का वीडियो बनाएगा कि सुजुकी महरान कैसी गाड़ी थी। तो ये आप समझ लें कि सुजुकी महरान का लास्ट वीडियो होने वाला है, मतलब इसके बाद बनेगा तो सही लेकिन वो ओल्ड गाड़ियों का बनेगा, मतलब सेकंड हैंड सुजुकी महरान का बनेगा। आपको न्यू शोरूम में जो सुजुकी महरान मिलती है उसका वीडियो आपको नहीं मिलेगा। तो सुजुकी महरान का ये लास्ट वीडियो आप इन्जॉय करोगे, उम्मीद ही कर सकते हैं, क्योंकि मुझे क्या पता कि आप इन्जॉय करोगे या नहीं करोगे। ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आपने करना है कि नहीं करना। मैं तो कहता हूँ कर लो यार, अच्छे रहोगे। तो आज इस वीडियो में आपको सुजुकी महरान VXR और VX दोनों का बता दूंगा कि दोनों में क्या फ़र्क था। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि सुजुकी महरान गाड़ी कैसी थी, क्योंकि अब तो बंद हो गई है। सुजुकी महरान के बारे में बात करते हैं, और ये आप देख सकते हैं सुजुकी महरान का VXR वेरिएंट, जिसके अंदर आपको AC और इस गाड़ी की सीट्स वगैरह चेंज मिलती हैं, सीट का मटेरियल चेंज मिलता है। तो अभी बात करते हैं सुजुकी महरान की फ्रंट साइड के बारे में। तो फ्रंट लुक आप देख सकते हो यहाँ से, फ्रंट लुक के अंदर आपको ये अगर लाइट्स के बारे में बात करें तो ये आपको गाड़ी की लाइट्स मिल रही हैं, जो कि दिखने में काफ़ी अच्छी लाइट्स हैं। आप देख सकते हो हैलोजन लाइट्स हैं, और ये आपको गाड़ी के अंदर इंडिकेटर वगैरह भी मिल रहे हैं। अगर इस साइड के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको महरान लिखा हुआ नज़र आ रहा है, जो कि गाड़ी का नाम है महरान। अगर नीचे के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको सुजुकी डस्का लिखा हुआ नज़र आ रहा है, जो कि डस्का में सुजुकी का शोरूम है, उसके बारे में सारी डिटेल लिखी हुई है, अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन, और ये नंबर वगैरह लिखे हुए हैं शोरूम के। और उस साइड के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको सुजुकी का S लिखा हुआ शोर है, जो कि लोगो है सुजुकी कंपनी का। और साइड पे ग्रिल लगी हुई है, जो कि आपको लोहे की ग्रिल मिल रही है, प्लास्टिक की नहीं है। इस साइड पे भी आपको लाइट्स ही मिल रही है, सिंपल सी बात है। तो अभी गाड़ी की साइड लुक के बारे में बात करते हैं। तो ये है जी गाड़ी के साइड लुक। साइड लुक के अंदर आपको गाड़ी के अंदर यहाँ पे कैप्स मिल रहे हैं, गाड़ी के अंदर आपको अलॉय व्हील्स नहीं मिल रहे हैं। सुजुकी महरान है जो कि पाकिस्तान की सबसे सस्ती गाड़ी है, तो सस्ती गाड़ी के अंदर आपको अलॉय व्हील्स तो मिलेंगे नहीं। तो ये गाड़ी के अंदर आपको कैप्स मिल रहे हैं, और ये ऊपर गाड़ी के अंदर ऊपर आप टायर्स भी देख रहे हो, जो कि काफ़ी अच्छे तो नहीं हैं, वो हैं जनरल मोटर्स के टायर हैं। आप देख सकते हो जनरल लिखा हुआ है यहाँ पे, ये तो ये जनरल मोटर्स के टायर्स हैं। और पीछे आप देख सकते हो ये गाड़ी की सस्पेंशन शो हो रही है, जो कि सिंपल है, काफ़ी अच्छी नहीं है। और ये अगर बात करें इस साइड के बारे में तो यहाँ पर आपको लाइट्स मिल रही हैं, जो कि इंडिकेटर के वक्त काम आएगी। और अगर बात करें तो ऊपर आपको इस गाड़ी के अंदर साइड मिरर के अंदर कोई भी लाइट नहीं मिल रही, आपको सिंपली यहाँ पे लाइट मिल रही है छोटी सी, जो कि ब्लिंक करेगी जब आप गाड़ी को अनलॉक करोगे, या गाड़ी का इंडिकेटर को ऑन करोगे। जिस साइड का इंडिकेटर ऑन होगा उस साइड की ये लाइट ऑन हो जाएगी। इस साइड के बारे में बात करें तो ये गाड़ी के अंदर आपको ओपन करने के लिए, डोर ओपन करने के लिए, जो कि ब्लैक कलर में मिल रहा है। ये गाड़ी का VXR वेरियंट है। VX वेरियंट वो साइड पर खड़ा है, जो कि उसकी आप फ्रंट देख सकते हो। गाड़ी की जो VX वेरियंट है उसके अंदर आपको जो फ्रंट है वो बॉडी के कलर के अंदर नहीं मिल, बॉडी के कलर के अंदर नहीं मिलती, बल्कि ब्लैक कलर की मिल रही है। ये VX वेरियंट है। अगर आप VXR वेरियंट लेते हो तो उसके अंदर आप गाड़ी का जो बम्पर है फ्रंट से वो गाड़ी की बॉडी कलर के अंदर ही मिलेगा। VX वेरियंट के अंदर आपको ये ब्लैक कलर का मिल रहा है, और इसके अंदर भी आपको ये लाइट्स भी चेंज मिल रही हैं, जो नीचे आपको मिल रही है उसके अंदर डिफरेंट थी। गाड़ी के अंदर आपको AC भी नहीं मिल रहा VX वेरियंट के अंदर। और अगर बात करें गाड़ी के बैक के बारे में तो उसके अंदर भी बैक के अंदर बॉडी कलर मिल रहा है बैक बम्पर के अंदर, लेकिन अगर आप इस VX वेरिएंट के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको बॉडी का जो बैक बम्पर है उसके अंदर भी आपको ब्लैक कलर ही मिल रहा है VX वेरिएंट के अंदर। अगर VXR वेरिएंट के बैक के बारे में बात करें तो ये देख सकते हैं, आपको मैंने वहाँ पर बताया कि ये बॉडी कलर के अंदर है, मतलब जिस तरह का बॉडी कलर होगा उसी तरह का आपको ये बम्पर वगैरह भी मिलेगा। अगर बात करें गाड़ी के बैक लाइट्स के बारे में, वो भी सिंपल हैं, इतनी फैंसी नहीं है। ये रेड कलर है, और ये ऊपर इंडिकेटर वगैरह है, और यहाँ से आप इस गाड़ी के अंदर पेट्रोल वगैरह डाल सकते हो ओपन करके की के ज़रिए। और ये फिर सुजुकी डस्का मोटर्स लिखा हुआ आप शोर है, यहाँ से आप बैक डिक्की जो इसकी है उसे ओपन कर सकते हो। ऊपर ये फिर इसका लोगो शोरूम का लगा हुआ है। यहाँ पे आपको सुजुकी का मिल रहा है ऑफिशियल 24 हेल्पलाइन, और उसका नंबर भी मिल रहा है, और उसके नीचे आपको मिल रहा है महरान लिखा हुआ, उसके नीचे उस गाड़ी का वेरिएंट लिखा हुआ है, जो कि VXR है।
उसके नीचे फिर आपको वही लाइट्स मिली हैं जो कि उस साइड पर भी थी। तो ये गाड़ी की फुल बैक व्यू है, आप देख सकते हो। तभी गाड़ी के इंटीरियर में जाकर बात करते हैं कि गाड़ी का इंटीरियर कैसा है। तो ये मैं गाड़ी के इंटीरियर के अंदर आ चुका हूँ। तो अगर इस साइड से बात करें शुरू करें तो इस साइड पे आपको ये गाड़ी का डोर ओपनर मिल रहा है जिसके ऊपर लिखा हुआ पुल पुल मतलब अपनी तरफ खींचना। और उसके नीचे ये आप देख सकते हो इसका जो मिरर है उसे ऊपर नीचे करने के लिए, इसे ओपन करके मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। और यहाँ पर आप चीज़ें लगवा सकते हो, बटन वगैरह जिसके से मतलब फॉग लाइट्स और इस तरह की कुछ चीज़ें आप लगवा सकते हो इस गाड़ी के अंदर। और यहाँ पर आपको एसी नहीं मिल रहा ना ही वेंट्स मिल रहे हैं, यहाँ पे आप अपनी कोई चीज़ रख सकते हो कॉइन वगैरह। और अगर ऊपर बात करें तो ऊपर भी आपको खाली जगह मिल रही है। अभी गाड़ी के मीटर के बारे में बात करते हैं, गाड़ी का स्टीयरिंग के बारे में बात करते हैं। गाड़ी का स्टीयरिंग जो है पावर स्टीयरिंग नहीं है, ये आप देख सकते हो। गाड़ी का स्टीयरिंग के ऊपर आपको बस काफ़ी सिंपल स्टीयरिंग है गाड़ी का, बस आपको यहाँ पे हॉर्न का बटन मिल रहा है जिससे दबाएंगे तो हॉर्न हो जाएगा। तो अभी इस गाड़ी के मीटर के बारे में बात करें तो मीटर आप देख सकते हो काफ़ी सिंपल है। इस गाड़ी के साइड पे आपको ये स्पीडोमीटर मिल रहा है, यहाँ पे आपको गाड़ी के अंदर बताया जाएगा कि फ्यूल कितना है। और यहाँ पे आपको गाड़ी की कुछ और चीज़ें इंफॉर्मेशन मिल रही हैं। और नीचे भी ये कुछ इंडिकेटर वगैरह शो हो रहे हैं जो कि जब गाड़ी को ऑन करेंगे तभी शो होंगे। तो अभी साइड की मैं बात करूँ तो ये गाड़ी का पूरा एसी कंट्रोल करने के लिए सिस्टम लगा हुआ है जो कि काफ़ी यूनिक है। मतलब मैंने किसी गाड़ी के अंदर इस तरह कुछ नहीं देखा, ये बस आपको सुजुकी मेहरान के अंदर मिल रहा है। अगर इन नॉब्स के बारे में बात करूँ तो ये नॉब्स आपको पता है कि फ्रंट को जो वाइपर है उसे कंट्रोल करने के लिए, और इस नॉब के बारे में बात करूँ तो ये फ्रंट लाइट और इंडिकेटर के लिए यूज़ होगा। तो ये अगर बात करें तो ये देखें इस गाड़ी के एसी को ऑन ऑफ करने के लिए फ़ैन को, ये ऊपर एसी का बटन है। तो अभी साइड की बात करूँ तो यहाँ पर आपको गाड़ी के अंदर एसी मिल रहा है जो कि काफ़ी अच्छा एसी है, काफ़ी अच्छा नहीं है बल्कि काफ़ी बुरा एसी है। तो इस साइड के बारे में बात करें तो ये तो कंट्रोल एसी का होगा, तो ये एसी आपको इस साइड पे यहाँ पे मिल रहा है सेंटर में गाड़ी के अंदर। ना तो इस साइड पे आपको एसी मिलता है ना ही उस साइड पे आपको एसी मिलता है, आपको सेंटर में बस गाड़ी के अंदर एसी मिल रहा है। एसी के बाद नीचे बात करें तो एसी के नीचे आपको ये मिल रहा है इस गाड़ी के अंदर ऑडियो सिस्टम जो कि किस कंपनी का है, कंपनी का नाम तो नहीं लेगा, लेकिन इस गाड़ी के अंदर आपको USB का सहूलत मिल रही है, ऑफ की सहूलत है। और इस गाड़ी के अंदर आपको रेडियो वगैरह मिल रहा है जो कि काफ़ी अच्छी बात है, आपको मिल तो रहा है। उसके नीचे बात करें इस ऑडियो सिस्टम के नीचे बात करें तो इस गाड़ी के अंदर आपको एक्स्ट्रा मिल रही है यहाँ पे। और उसके साथ ही आपको इस गाड़ी के अंदर वो पावर आउटलेट मिल रहा है, इसको यूज़ करके आप अपना सिगरेट वगैरह भी जला सकते हो, लेकिन ये इससे चार्जिंग वगैरह भी होगा आपको मोबाइल, सिगरेट के काम नहीं आती ये चीज़, और चीज़ों के भी काम भी आती है। इस पावर आउटलेट के बाद इस बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको ये लाइट्स मिल रही है जो कि मेरे ख्याल से सिक्योरिटी के लिए, मतलब वो जो आपको इस गाड़ी के अंदर मोबिलाइजर मिलता है, ये मोबिलाइजर की लाइट है। आपको पता है कि सुजुकी मेहरान के अंदर मोबिलाइजर मिलता है तो ये वही है। इस मोबिलाइजर के बाद बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे आपको इस गाड़ी के अंदर मैनुअल ट्रांसमिशन मिलती है, वो उसी का है। और गाड़ी का आपको पता है इंजन कितना सीसी का, 800 सीसी का इंजन है, 37 साल से आपको पता है यही चल रहा है, तो इंजन के बताने की मुझे ज़रूरत भी नहीं है। इस गाड़ी की माइलेज काफ़ी अच्छी है। तो ये मैनुअल ट्रांसमिशन हो गई जिसके अंदर आपको ये 4 गियर मिल रहे और 5वां जो रिवर्स गियर है। उसके बाद बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर आपको गाड़ी के अंदर इस गाड़ी की हैंड ब्रेक मिल रही है, और ये साथ आपको ये सीट बेल्ट का ऑप्शन है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये सीट बेल्ट हैं जो कि यहाँ पे आपके अटैच होंगे, ये साइड का है। और इसके बाद बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे आपको कोई भी और चीज़ नहीं मिल रही है सीट बेल्ट के अलावा और हैंड ब्रेक के अलावा। तो ये थी गाड़ी के सारे फ्रंट लुक। यहाँ पर आपको इस गाड़ी के अंदर ग्लव बॉक्स भी मिलता है जो कि काफ़ी छोटा है। ये इस गाड़ी की वारंटी वगैरह सारा बुकलेट है, वारंटी है सर्विस सुजुकी कंपनी की, तो इसे वापस आप देते हैं। और बाकी इस गाड़ी के अंदर आप ये इसके साथ ही आपको इस गाड़ी के अंदर कुछ टूल्स मिल रहे हैं, और ये मेहरान का एक आपको मैनुअल मिल रहा है जो कि आपने शायद ज़िंदगी में कभी पढ़ा भी नहीं है और ना ही पढ़ेंगे। तो ये इस गाड़ी का ग्लव बॉक्स था जो कि इस गाड़ी क्वालिटी काफ़ी अच्छी नहीं है। मैंने लास्ट टाइम यूनाइटेड ब्रावो का वीडियो बनाया था, उसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी नहीं थी। मेरे ख्याल से 10 लाख के नीचे वाली गाड़ियों की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, क्योंकि मैं पहले कभी बैठा नहीं था तो मुझे पता नहीं था कि क्वालिटी इतनी बुरी होती है, लेकिन अब पता चल चुका है कितनी अच्छी बात है ना। तो ये गाड़ी के पूरे डैशबोर्ड के बारे में बात कर ली, तो अब बात करते हैं ऊपर वाले हिस्से के बारे में। तो ऊपर वाले हिस्से में आपको ये इस गाड़ी का वो दूसरा बचाने के लिए मिल रहा है। इस गाड़ी के अंदर आपको वैनिटी मिरर नहीं मिल रहा, आप देख सकते हो, ना ही ऊपर लाइट्स मिल रही हैं ना ड्राइवर की साइड पे। अगर पैसेंजर की साइड पे बात करें तो यहाँ पे भी आपको कोई लाइट्स नहीं मिल रही, ना ही यहाँ पे कोई आपको मिरर मिल रहा है जो कि वैनिटी मिरर होता है। दरमियान में गाड़ी के अंदर आपको लाइट्स मिल रही हैं जो कि अभी क्योंकि गाड़ी ऑफ है तो नहीं ऑन होगी। ये लाइट्स हैं गाड़ी की, ओरिजिनल लाइट्स के नीचे आपको ये छोटा सा मिरर मिल रहा है जो कि बैक व्यू मिरर है, बैक व्यू देखने के लिए। और उसके बाद बात करें गाड़ी के इस हिस्से के बारे में, तो पीछे आपको कोई लाइट्स नहीं मिल रही, लेकिन आपको यहाँ पे एक हैंडल मिल रहा है
इस गाड़ी की जो सीट्स हैं वो नीचे से, मतलब गाड़ी की जो सीट्स हैं वो नीचे एडजस्ट नहीं हो सकती, बस ये गाड़ी की जो सीट्स हैं वो रिक्लाइन हो सकती हैं। ये बस पैसेंजर की साइड पे जो सीट है वो एडजस्ट नहीं हो सकती, बस वो रिक्लाइन हो सकती है, लेकिन जो ड्राइवर की साइड पे वो एडजस्ट भी हो सकती है। उसके लिए आपको ये देख सकते हैं नॉब मिल रही है, शायद ये उसी की नॉब है, मुझे कंफर्म नहीं, लेकिन अगर उसी की है तो अच्छी बात है, क्योंकि ये सीट आगे पीछे भी होनी चाहिए, मेरे जैसा लंबा बंदा बैठ जाए तो फिर तो वो कम्फर्टेबल ही नहीं होगा। तो अभी गाड़ी की बैक सीट पर जाकर बात करते हैं, तो बैक सीट कैसी है गाड़ी की। उस बैक पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि VX जो वेरियंट है उसके अंदर आपको सीट भी जो क्वालिटी है वो भी चेंज मिलती है, उसके अंदर आपको ब्लैक कलर की सीट्स मिलती है, अगर आप यहाँ से देख सकते हो तो, लेकिन मेरे ख्याल से नहीं देख सकते, मैं आपको जूम करके वीडियो के अंदर दिखा दूंगा। इसके अंदर आपको ये इस कलर की सीट्स मिल रही हैं, जो कि मैंने पूछा उनसे तो उन्होंने कहा क्वालिटी भी चेंज है, और इसी कलर से आपको यहाँ पे भी कुशनिंग मिल रही है, क्वालिटी भी उससे बेहतर है। मैं उसमें बैठा हूँ थोड़ी देर पहले, और ये एक सुजुकी मेहरान की मैनुअल है, ये आप देख सकते हो ओनर मैनुअल, काफ़ी यूनिक है, क्या बात है, काफ़ी यूनिक डिज़ाइन किया उन्होंने सुजुकी वालों ने, लगता है सारी मेहनत यहाँ भी काट ली है, गाड़ी के अंदर कोई मेहनत नहीं की, ये मजाक था सुजुकी वालों, ज़्यादा सीरियस ना हो जाना आप। काफ़ी अच्छी चीज़ है यार, मज़ा आ रहा है इससे देखने में, बंदे के पास 10-10 मेहरान तो ऐसे ही बन जाएंगे। तभी गाड़ी की बैक सीट पे जाते हैं। VX वेरिएंट के अंदर आपको एसी भी नहीं मिलता, जो कि मैं आपको बताना भूल गया हूँ, इस गाड़ी के अंदर आपको एसी मिल रहा है, ये बटन आपको मिल रहा है, उसके अंदर शायद आपको फ़ैन ही मिल रहे हैं, एसी नहीं मिल रहा। तो चलिए मैं आपको पीछे जाकर बताता हूँ अभी इस गाड़ी की बैक सीट कैसी है। तो ये मैं गाड़ी की बैक सीट पे आ गया हूँ, बैक सीट इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, ये आप देख सकते हो जो मेरी टांगे हैं वो सीट से फुल अटैच हैं, तो मैं इस गाड़ी की जो सीट्स है वो थोड़ी आगे काट देता हूँ। हाँ अब ठीक है, इसे बाद में इसे सेट कर लेंगे, अभी मैं कंफर्टेबल हूँ, ये देख सकते हैं आप, अगर इस हिसाब से भी देखें तो मैं कम्फर्टेबल नहीं बैठ सकता, इस गाड़ी की सीट को आगे करना पड़ना है। पीछे भी आपको गाड़ी के अंदर वही एक हैंडल ऊपर मिल रहा है, जिसे आप पकड़ेंगे जब आपको झटके लगेंगे, बाकी इस गाड़ी के अंदर डोर ओपन करने के लिए वही ऊपर शीशे ऊपर नीचे करने के लिए ये चीज़ है, और ये गाड़ी की बैक सीट्स हैं। बैक सीट के ऊपर आपको ये आप देख सकते हो हेडरेस्ट नहीं मिल रहा आपको यहाँ पे, ये छोटा सा बस ऊपर उन्होंने किया हुआ है हेडरेस्ट के लिए, बाकी इस गाड़ी के अंदर आपको हेडरेस्ट नहीं मिल रहा, जो कि काफ़ी डिसअपॉइंटिंग बात है, मिलना चाहिए था मेरे ख्याल से। सीट्स के बारे में बात कर ली, तो अभी इस गाड़ी की बैक जो डिग्गी है उसके बारे में बात करें, तो डिग्गी आप देख सकते हो काफ़ी सिंपल है। तो चलिए अभी गाड़ी की बैक साइड के बारे में बात करते हैं, तो गाड़ी की बैक पे आपको डिग्गी ओपन करके दिखा देता हूँ, मैंने आपको आगे कहा था कि डिग्गी ओपन करके दिखाता हूँ आपको, तो इस गाड़ी की डिग्गी ओपन कर ली है हमने। तो अगर इस गाड़ी के ट्रंक स्पेस के बारे में बात करें, तो आपके यहाँ पे सिंपल से थोड़ी सी ट्रंक स्पेस मिल रही थी, ज़्यादा नहीं है। नीचे बात करें तो इस गाड़ी के अंदर आपको स्पेयर टायर की ऑप्शन मिल रही है, आप देख सकते हो स्पेयर टायर ऊपर ये गत्ता वगैरह रखा हुआ है, तो ये है इस गाड़ी का स्पेयर टायर की जगह, और इस गाड़ी की ट्रंक स्पेस है सारी। तो ये थे सिंपल इस गाड़ी की सारी ट्रंक स्पेस और कितनी जगह आपको मिल रही है, और पीछे आपको टायर मिल रहा है कि नहीं, तो मैंने आपको बता दिया पीछे आपको गाड़ी के अंदर स्पेयर टायर मिल रहा है, और गाड़ी की स्पेस भी इतनी ज़्यादा तो नहीं है और इतनी कम भी नहीं है, हैचबैक गाड़ी तो हैचबैक गाड़ी के अंदर इतनी स्पेस होती है, लेकिन गाड़ी का साइज़ काफ़ी छोटा है, तो इसलिए इस गाड़ी के अंदर स्पेस भी काफ़ी कम है पीछे। और इस गाड़ी को जो ओपन करने के लिए सिलेंडर है वो एक साइड पर, इस साइड पर कुछ नहीं मिल रहा है, तो ये गाड़ी की साइड बैक लुक आप देख सकते हो, बैक से आप इंटीरियर भी देख सकते हो कैसी लग रही है मेहरान। तो भी बंद कर देते हैं इस गाड़ी के बैक को। तो उम्मीद है कि आपने वीडियो देख लिया, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद भी आया होगा। तो अब बात करते हैं सुजुकी मेहरान के बाद कौन सी गाड़ी आने वाली है। तो सुजुकी मेहरान के पास पाकिस्तान में आएगी सुजुकी आल्टू, जो कि मार्च में पाकिस्तान में लॉन्च होगी। तो मार्च तक की सुजुकी मेहरान की डिलीवरीज होंगी, जो कि बुक हो चुकी हैं, अभी शायद नहीं बुक हो रही क्योंकि सुजुकी मेहरान को पाकिस्तान में बंद कर दिया गया है। तो इस गाड़ी की प्राइस तो आप जानना भी नहीं चाहते होंगे, क्योंकि पाकिस्तान में गाड़ी बंद हो गया, तो प्राइस जान के आप क्या करोगे मुझे बताओ। तो यही था आज का वीडियो, ओके अल्लाह हाफिज़। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर भी करें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें नीचे। ओके अल्लाह हाफिज़।